अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मोस्ट पॉपुलर कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है में बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाली हैं अनीता जी, अंगूरी जी, विभूति जी और तिवारी जी की जबरदस्त कॉमेडी। लेकिन भाई इस बार इस कॉमेडी का अलग अंदाज होने वाला है, क्योंकि ये अंदाज इस बार खफा होगा। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि विभूति जी और मनमोहन तिवारी जी के जोक्स पर नाराज हो गई हैं उनकी बीवियां और मामला पहुंच गया है सीधा मीडिया और महिला आयोग के पास। लेकिन अब क्या होता है इससे आगे, खुद सुनिए अंगूरी जी से। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स जोक ऐसा होना चाहिए जिसमें हंसी आनी चाहिए, लेकिन जब जोक में एक नारी को चुड़ैल कहा जाए तो ज़रूर नारी को इसके लिए खड़े होकर लड़ने की ज़रूरत है। और ये दो हमारे साथ जो लड़ने के लिए आई हैं, और ये हमारे साथ लड़ने के लिए आए तो हैं लेकिन ये खुद ही हंसने लगते हैं उस जोक पर, तो आप कुछ प्रकाश डालिए इस बात पर। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मतलब द जोक इज एक्चुअली फनी। अरे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था महिलाओं को ऑफेंड करने का या ऐसा, तो एक ऐसा मोमेंट बन गया कि मैं हंस पड़ा उस बात पे। एंड देन सडनली मुझे फिर अलर्ट करती है अपना अनीता जी, और वो कहती है कि आप खुद ही इस पे हंस रहे तो आप क्या शो में बहस करवाएंगे या क्या उनको संभालेंगे। हाँ, ये बात से मैं अग्री करता हूँ कि जोक ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट इट शुड ऑफेंड, बट इट वॉज जस्ट फॉर एन एंटरटेनमेंट सेक। सो या वेल, अब अंगूरी और अनीता माफ कर पाएंगी अपने पतियों को या फिर नहीं, और अगर करती हैं तो कब तक करती हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई बाकी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ ब्यूरो।